शेख हसीना भारत पहुंची है। हालांकि अभी सूत्रों के हवाले से जानकारी यहां पर मिल रही है। बताया जा रहा है कि अगरतला में हेलीकॉप्टर लैंड हुआ है और कुछ समय पहले की ही तस्वीरें हैं जो आप देख सकते हैं कि जब शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा था उस वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं। और दूसरी ओर बांग्लादेश में किस तरीके से हिंसा बढ़ती जा रही है, पीएम आवास में जो तमाम उपद्रवी है वो घुस चुके हैं और सब सड़कों पर सैलाब इस वक्त दिखाई दे रहा है। माना जा रहा है कि कुछ देर के बाद में सेना की तरफ से बड़ा ऐलान भी बांग्लादेश में किया जा सकता है। लेकिन जो अभी तक खबरें आ रही थी कि फिनलैंड की तरफ या यूरोप की तरफ बढ़ी है शेख हसीना, लेकिन अब खबर सूत्रों के हवाले से हालांकि अभी मिल रही है, अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि शेख हसीना भारत ही पहुंची है, लेकिन जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि अगरतला में हेलीकॉप्टर लैंड हुआ है। हालांकि कुछ देर के बाद में इस बात की पुष्टि होगी, तस्वीरें भी सामने आएंगी कि आखिरकार शेख हसीना कहां पर गई, क्या वाकई में भारत लैंड हुई है या फिर कहीं और सुरक्षित ठिकाना उन्होंने ढूंढा है। लेकिन फिलहाल जो चार तस्वीरें हैं इस वक्त आप यहां देख सकते हैं, आगजनी आप किस तरीके से देखी जा रही है चारों ओर, हर तरफ हर सरकारी बिल्डिंग में लगभग आप देख सकते हैं कि इसी तरीके का जो सैलाब है वो उस समय देखने को मिल रहा है। 45 मिनट में देश छोड़ने का आदेश शेख हसीना को दिया गया था और वो हालात यहां पर देखे गए। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जब उन्होंने बांग्लादेश छोड़ा था, लेकिन भारत से रिश्ते बांग्लादेश और शेख हसीना के इससे पहले आपने देखा है कि किस तरीके से सुदृढ़ रहे हैं। और फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं और सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि अगरतला में हसीना का हेलीकॉप्टर लैंड हुआ है। तो अगरतला में लैंड हुआ है हसीना का हेलीकॉप्टर, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इसके साथ दो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। शेख हसीना की पहली वो तस्वीर देख लीजिए जब उन्होंने बांग्लादेश छोड़ा था, पीएम हाउस को छोड़ते वो नजर आई थी। उनसे कहा गया था 45 मिनट का समय देकर और आप 45 मिनट में देश छोड़ दे। इसी के साथ बड़ी खबर आ रही है, पूरे बांग्लादेश में सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। इसके पीछे की वजह के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, 30% का कोटा नौकरियों में दिया जाता था, आरक्षण दिया जाता था, जिसे लेकर के कोर्ट ने कम भी किया, जिस पर फैसला भी सुनाया, लेकिन बावजूद इसके हिंसा नहीं थमी और हिंसा महीनों से चल रही थी और अब पूरे बांग्लादेश में सेना ने मोर्चा संभाल लिया। बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, पूरे बांग्लादेश में सेना का मोर्चा संभाल लेना, आप समझिए बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। शेख हसीना जो कि बांग्लादेश छोड़ चुकी हैं, वहाँ से निकल चुकी हैं और सूत्रों से जो खबरें आ रही हैं वो ये भी कि वो भारत आई हैं, लेकिन अभी इसका कंफर्मेशन नहीं है। मैं ये भी बताऊं, भारत आने की भी खबरें आ रही हैं, बीच में खबरें ये भी आ रही थी वो यूरोप आएंगी, लेकिन पूरे बांग्लादेश में सेना ने टेक ओवर कर लिया है। अब क्या सवाल ये है, क्या ये एक मिलिट्री कू है, क्या सेना वहाँ पर सत्ता संभालेगी? ये जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, प्रदर्शनकारी पूरी तरह से गणभवन में घुस चुके हैं जो कि पीएम रेजिडेंस है जहां से शेख हसीना निकली है। और अब इसके बाद सवाल ये है कि क्या एक मिलिट्री रिजीम बांग्लादेश में स्थापित होगी, मिलिट्री रिजीम यानी कि सेना का वर्चस्व, या फिर सेना हाल में इसमें एक तरह से स्थिति संभालने के लिए वहाँ पर काबिज होगी और फिर किसी और सरकार को आने का मौका देगी। ये सवाल बना हुआ है, लेकिन अभी के लिए जो खबर आ रही है सेना ने पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया है। लेकिन सेना के मोर्चा संभालने के बाद भी ये तस्वीरें बांग्लादेश से आ रही हैं जहां प्रदर्शनकारी खुलकर एक तरह से हिंसा फैलाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या वहां की सेना ने प्रदर्शनकारियों के आगे एक तरह से समर्पण कर दिया है, क्योंकि सेना प्रधानमंत्री को एक तरह से सुरक्षा ना देकर उन्हें वहां से निकलने की बात कहती है और उसके बाद यहां उपद्रवी जो कि पीएम हाउस में स्टॉर्म कर चुके हैं, घुस चुके हैं, उन पर किसी तरह का कोई चाबुक चलता अभी नजर नहीं आ रहा है। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां बांग्लादेश के पीएम हाउस में प्रदर्शनकारी घुस गए हैं, भीड़ ने पीएम हाउस पर कब्जा कर लिया पूरी तरीके से। पीएम हाउस में प्रदर्शनकारियों की तोड़फोड़ भी देखी गई है, तो प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा कर लिया है और इसी के साथ घुसपैठ भी की है, वहां तोड़फोड़ भी की गई है। और थोड़ी देर बाद सेना चीफ जनरल वकार उज़्ज़मान देश को संबोधित भी कर सकते हैं, क्योंकि अब बांग्लादेश पर सेना ने पूरी तरीके से अधिकार कर लिया है। शेख हसीना के भारत आने की खबर भी है सूत्रों के हवाले से, लेकिन ये बड़ी जानकारी जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आ रही है, प्रदर्शनकारियों ने घुसपैठ कर दी है अंदर। और ऐसे ही हालात पहले भी बने थे, आपने देखा कि श्रीलंका में भी इसी तरीके से हालात बने और अब ये हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में ये
पूरी तरीके से वही पिक्चर याद दिलाती है जैसा कि श्रीलंका में हुआ था, जहां प्रदर्शनकारी घुस गए थे, और इसी तरीके से बांग्लादेश में भी प्रदर्शनकारी पीएम आवास के अंदर घुस गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जगह जगह उनके द्वारा तोड़फोड़ की जा रही है। देशव्यापी कर्फ्यू का ऐलान किया गया था, लेकिन उसको दरकिनार करके सड़कों पर हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी उतरे हुए। तो इस वक्त जो खबर बांग्लादेश से आ रही है, उस पर पूरे इस वक्त दुनिया की नजरें होंगी, क्योंकि जो तस्वीर हमने आपको दिखाई और वहां पर शेख मुजीबुर रहमान का जो एक स्टैच्यू बनी हुई है, उस पर उसको भी एक तरह से घेर लिया है प्रदर्शनकारियों ने, वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। शेख हसीना जो कि चौथी बार सत्ता पे तो आई, लेकिन जिस तरह से प्रदर्शन की आग फैली और उसके बाद उन्हें वहां से देश छोड़कर निकलना पड़ा है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। शेख हसीना इस वक्त कहां जाएंगी, उनके भारत आने की भी खबरें आ रही हैं। वो थोड़ी देर बाद खबर ये आ रही है कि बांग्लादेश को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहां की जो स्थिति है, वहां पर इस वक्त क्या हालात हैं, उसे लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ, जैसा मीनाक्षी बता रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे थोड़ी देर में, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो हालात हैं, उस शाम 4:30 बजे का समय आ गया है, शाम 4:30 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे बांग्लादेश में हालात क्या हैं, और इस वक्त वहां जो प्रदर्शनकारी हैं उनको रोकने के लिए, उन पर काबू करने के लिए क्या किया जा रहा है। एक बार न्यूज रूम चलेंगे, मृदुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मृदुल, तस्वीरें हम लगातार बांग्लादेश की दिखा रहे हैं पिछले कई दिनों से, मैंने जैसा कहा कि एडवाइजरीज जारी की गई भारत सरकार द्वारा भी बहुत सारी, कि वहां पर अगर आप हैं तो विदेश मंत्रालय के संपर्क में रहें, क्योंकि हालात इस तरह के हो सकते हैं, ये ऐसे आंकलन लगाया जा रहा था। इस वक्त वहां से और क्या खबरें आ रही हैं, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस 4:30 पे होगी, 4:30 बजे होगी, लेकिन शेख हसीना कहां है, इसे लेकर भी बहुत सारी खबरें चल रही है। बिल्कुल, देखिए जो खबरें सामने निकल कर आ रही हैं वहां के मीडिया के हवाले से, अखबारों के हवाले से, वो यही बता रही है कि शेख हसीना भारत आ सकती है। ये 2-3 अखबार और मीडिया चैनल्स दावा कर रहे हैं सुचरिता, इसका सीधा मतलब यही है कि अगर भारत आती है तो अलग इसके पैमाने होंगे, फिर अलग तरह से इस तस्वीर को देखा जाएगा। मेजर जनरल जीडी बख्शी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जीडी बख्शी सर, अगर वो भारत आती है, क्योंकि ऐसी खबरें चल रही हैं, तो कितना इंपैक्ट पड़ सकता है, फर्क पड़ सकता है, क्या असर पड़ सकता है? बख्शी सर, देखिए शेख हसीना भारत की बहुत घनिष्ठ मित्र थी, जब तक वो वहां गद्दी में थी उन्होंने बहुत भारत के इंटरेस्ट को सपोर्ट किया है। उनकी जो है सरकार खतरे में थी, अमेरिकन उनको धमकियां दे रहे थे कि वो उनको हटवा देंगे, वो इनसे बेस मांग रहे थे, उन्होंने बिल्कुल देने से मना कर दिया, तो उनके खिलाफ ऑर्केस्ट्रेट की गई है ये स्टूडेंट्स मूवमेंट, जिसमें कि जो मुक्ति योद्धास थे, जिन्होंने बांग्लादेश की आजादी के लिए पाकिस्तान से जंग करी थी, वहां के रजाकार जो कि कत्लो गारत में साथ दे रहे थे पाकिस्तान की फौज का, और कोई वहां पे उन्होंने क्या कहते हैं 3 मिलियन बांग्लादेशी को जान से मार डाला था, 1 मिलियन बांग्लादेशी औरतें रेप हुई थी, और 10 मिलियन भारत में रिफ्यूजी धकेल दिए गए थे, उस वक्त मुक्ति वाहिनी लड़ी थी, तो वो उनके बच्चों को रिजर्वेशन देना चाहती थी, जिसको मुद्दा बनाकर उनकी सरकार को ओवरथ्रो करने की ये बिल्कुल कोशिश है।